सरदार चल मेरे साथ, हम जाके मलिक को सब कुछ बता देंगे ताकि वो इस रिश्ते से खुद ही पीछे हट जाए। नहीं आंटी प्लीज, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, और आप तो जानती हैं उन लोगों ने मले को अपनी वश में कर रखा है। बिना सबूत के मले हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। क्या पता आज एंगेजमेंट पर हमें कोई सबूत मिल जाए। वरदान बिल्कुल सही कह रही है, हमें उनका ही खेल खेलना होगा और उनको और उन्हीं के खेल में हराना। खेल में हराना। नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इस चक्कर में मले को कुछ हो गया तो पहले तो हमें लग रहा था कि काले जादू का असर है उस पर, लेकिन अब तो उसकी जान को खतरा है। हम उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ, उनके इरादे जानते हुए मैं अपने बेटे मले को उनके हाथों नहीं सौंप सकती। दीदी हम वहां चलते हैं और ये एंगेजमेंट कैंसिल करवा देते हैं। आप चलो मेरे साथ और जो होगा देखी जाएगी। चलो। नहीं आंटी प्लीज, हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उनके प्लान के बारे में हमें पता तो चल ही चुका है, और यही बात हम यूज कर सकते हैं उनका असली चेहरा सामने लाने के लिए। पर मले। आंटी आप मले की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं उसके साये की तरह उसके साथ रहूंगी, और मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी आंटी, हमारे पास यही एक मौका है मले के सामने सच को लाने का, और अगर हम इसमें झुक गए तो मले हमारे ही खिलाफ हो जाएगा, जिससे अप्पू का काम और भी आसान हो जाएगा। हमें सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना होगा, ताकि ना मले को हम पर शक हो और ना उन लोगों को। सब में मेरे बेटे मलिक की जिंदगी दांव पे लगी। रेनू वादा करो कि उसे कुछ नहीं होगा। जी जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अब मलिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। शशांक yeah. ये पर्दे उठा के वहां रखवा देना और ये फूल वहां लगवा देना, ठीक है? और हाँ, वो सामान जो वहां रखा है वहां से उठवा के वहां साइड पर रखवा देना। देखा इस कितना खुश लग रहा है मेरा बेटा। अरे आप लोग, इतनी देर से उस कमरे में आप चारों क्या कर रही थी? कहीं दुनिया पर कब्जा वब्जा करने का प्लान तो नहीं बना रही थी? और क्या हुआ, मेरी सगाई वाले दिन आप लोगों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? नहीं नहीं, वो तो हम बस इसके कारण अंदर थे रूम में। टेकी तुम मुझसे वो क्या है ना बेटा, हम वरदान की शादी की बातें कर रहे थे। क्या शादी, वो भी इस तूफान मेल की? हाँ। क्यों? क्यों मतलब? अरे बेटा बुढ़ापे में जिंदगी का क्या भरोसा, इसीलिए मैं सोच रही थी कि जीते जी वरदान के हाथ पीले कर दूं। तो मैं गंगा, अरे गंगा छोड़ो जमुना सरस्वती सारी नदियां नहा लूं। तो नंदिता जी से मैं वही पूछ रही थी कि उनकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दे। नहीं मिली थी आपको शादी की बात करने के लिए? आंटी जी मेरा एक सजेशन ले लीजिए। बोलो बेटा। सबसे पहले तो उस लड़के की कुंडली चेक करवा लेना, और फिर उसकी लंबी आयु का व्रत रखवा लेना इस आफत से, और उसके बाद मार्केट में जितनी भी इंश्योरेंस है सब करवा लेना, मेडिक्लेम, ट्रैवल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल, और तो और एक इंश्योरेंस तो मैं भी गिफ्ट करूंगा उस बेचारे को। बड़ा ही हिम्मत वाला बंदा होगा जो आपकी इस आफत से शादी करेगा।
अरे भैया इधर आना, ये सब थके वहां पर। आज वो आपकी इंगेजमेंट है ना? हाँ है। तो कुछ ही दिनों में आपकी शादी भी हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। और आप यहाँ पे खड़े होकर छोटे बच्चों की तरह स्टूपिड जोक्स मार रहे हैं? ग्रो अप। और ये क्या तूफान तूफान लगा रखा है? मैं वेदा, वेदा तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मुझे कौन सा तुमसे शादी करनी है। फिक्र करनी है तो उस बेचारे लड़के की करो जो तुमसे शादी करके शहीद होने वाला है। ओहो, लगता है यहां पर तूफान आने वाला है। सुधर जाओ नहीं तो जिंदगी भर कवारी रह जाओगी, समझी? तुमने ये सब बताने के लिए मुझे यहां बुलाया? सगाई यहां हो या वहां से क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर मॉम ने कुछ किया है तो सोच समझ कर ही किया हो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि आई लव यू। तो जल रहा है। माँ, उप्पू, जब देखो चिकते चिल्लाती रहती है। टापुर, त्रिजा नानी को ये शगुन का सामान दे दे, ओपू को मैं देख लूंगी। हाँ हाँ, अगर मैंने उसको देख लिया तो आपकी लाडली को तो मेरी नजर लग जाएगी ना। जा। ओपू, ये सब क्या है? खून? ये क्या किया तूने? तो रुक, मैं दवाई लाती हूँ। ध्यान से नहीं कर सकती है क्या? बात है की हो लोपू? माँ आपने कहा था कि एक विषकन्या किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। हैं तू? तो क्या मलय मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार करता है क्योंकि मैं एक विषकन्या हूँ और मैंने उसे अपनी ओर आकर्षित किया है? अचानक से ये सवाल। माँ अगर मैं एक विषकन्या नहीं होती तो क्या मलय मुझसे प्यार नहीं करता? क्या कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता? सोना, एक विषकन्या का आकर्षण चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो लेकिन उसमें प्यार करने की ताकत नहीं है।
और ना ही वो किसी को अपने से प्यार करने पे मजबूर कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, मलय तुझसे बहुत प्यार करता है। सच नामा, अगर मैं एक विश्वकन्या नहीं होती तो भी मलय मुझसे प्यार करता ना। क्यों ना करता? पगली, मेरी ओपू दुनिया की सबसे प्यारी लड़की जो है। माँ, मेरी शादी के अलावा आप कोई और बहाना नहीं बना सकती थी क्या? बहाना होगा उसके लिए, मेरे लिए तो 100% सच था। तो देख नहीं रही तेरी शादी की चिंता में मैं कैसे सूख के कांटा होती जा रही हूँ। सूख के कांटा? अच्छा ठीक है, वाटर टेंशन है। सुन, मालपुए की कसम, मलय को देखते ही ना मेरे मन में तो शादी के लड्डू फूटने लगे थे। माँ, आप अपने ये शादी के लड्डू ना कहीं और जाकर फोड़िए। कहीं और नहीं बन्नू, मैं तो यही फोड़ूंगी। देख माना कि मलय किसी और का होने वाला था, था ना, लेकिन कुछ ही दिनों में तो फ्री होने वाला है। लाइन क्लियर? माँ, आप भी ना, बहुत हुआ। मैं जानती हूं तुम मलय से प्यार करती है। आप नहीं करती तो बोल दे। माँ हूँ मैं तेरी, मैंने देखा कैसे तूने नंदिता जीजी के सामने मलय की जिम्मेदारी ली। तू सिर्फ मलय के लिए यहाँ रुकी है ना, और तुझे मलय की कितनी फिक्र होती है ये मुझसे छुपा है क्या? और मलय के आते ही तेरी बोलती बंद हो जाती है। ये जितनी भी हरकतें है ना, ये इंसान तभी करता है जब वो प्यार में एकदम बावला हो गया होता, जैसे कि तू। माँ, अपना ये प्रेम ज्ञान ना किसी और दिन दीजिएगा। किसी और दिन? इस वक्त तो हमें ये सोचना है कि मलय को कैसे बचाया जाए। ये कल्पना आंटी इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? कल्पना आंटी का पीछा कीजिए, देखिए ना वो कहाँ जा रही है। ठीक है, तू भी मेरे साथ चल। नहीं नहीं माँ, हम मलय को इस तरह यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे अप्पू और मलय पर नजर भी तो रखनी होगी। आप कल्पना आंटी पर नजर रखिए, और हाँ, कुमकुम आंटी को साथ लेके जाइए। ठीक है बेटा। अरे ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, ऐसी जगहों पे जाते हैं काम करने के लिए। आइए इस तरफ चलते हैं। सारी तैयारियां हो गई? हाँ जी। हाय गॉड, ये आदमी कौन था? पार्टनर इन क्राइम। निकल गई कि आसमान खा गया, ये कहाँ गायब हो गई है?
अरे मैंने कहा था कि जल्दी चल, देखा हाथ से निकल गई ना। जल्दी का काम शैतान का होता है। अरे अगर हमें देख लेती ना तो हाथ नहीं आती। अभी भी तो हाथ से निकल ही गई है ना। चल ढूंढ लेते हैं, चल मेरे साथ। ही नहीं तू ये छुप कर क्यों आ रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी शक्ल देखनी थी। जाओ। ये तो मले की तरफ जा रहा है। मास्टर जी आराम से। मास्टर जी क्या कर रहे हो? सॉरी साहब। कौन है वहां? एक मिनट मास्टर जी, कौन है? मास्टर जी दरवाजा तो बंद कर देते। किसी ने हमें इस हाल में देख लिया तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? सॉरी साहब, ध्यान नहीं रहा। आंटी हमें तो हर एक गेस्ट को चेक करना होगा कि हम उन्हें जानते हैं कि नहीं। मैं अभी आती हूँ। मैं यहीं पे हूँ आंटी। तू ध्यान रख। हाँ। नमस्ते मित्तल साहब, कहाँ हैं? वो आते ही होंगे। ओके। ये तो हमारा मेहमान ही निकला। रुको। हाँ जी। वो तुम केटर्स के वहां से आए हो क्या? जी हाँ। पर तुमने नेम टैग तो नहीं लगाया? वो लगाना भूल गया मैं। चलो लगाओ अभी। जी लगाता हूँ मैं। वरदान बेटा इधर आओ। बेटा काम डाउन। तुम इस तरह से सबको गुस्सा करोगी, उन पे चिल्लाओगी तो मले को शक हो जाएगा। वो तरह तरह के सवाल करेगा। जी आंटी सॉरी, ध्यान रखूंगी। इट्स ओके बेटा। आशीर्वाद दो माँ।
तो एक विषकन्या है, अपने एक ही वार से किसी भी जीवन का नाश करने वाली विषकन्या। इसने तेरी माँ पे अटैक करवाया और इसकी गलत फहमी की वजह से आज तेरी माँ की ये हालत है। तेरी विषकन्या होने का मकसद ही पूरे मित्तल परिवार को खत्म करना है। हमें हमारा बदला आज ही लेना होगा। आज की रात मलय मित्तल की आखिरी रात होनी चाहिए। हो ओपो ओपो बेटा।